हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सखी क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस डिज़ाइन पे मैं आपको कैप बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से बनेगा। दोस्तों, इसका वीडियो हमने पहले ही डाल रखा है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से देख सकते हैं और इस डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए इस डिज़ाइन को, आइए इस कैप को बनाते हैं कि किस तरीके से बनेगा। दोस्तों, इससे कि पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले, और शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी दें। तो आइए इस कैप को बनाते हैं कि किस तरीके से बने। दोस्तों, हमने डिज़ाइन के तौर पे इस कैप को बनाना है तो पहले हमें बॉर्डर देना है। इसमें तो हमने 40 फंदे रखे हैं और उसी पे इस कैप को मैं बनाना बताऊँगी ताकि आपका समय कम लगे और आसानी से इस कैप को सीख भी सकें। तो इसमें हमने 1 2 3 4 यानी कि 8 लाइन में हमने बॉर्डर रखा है। अगर आपको बड़ा कैप बनाना होगा तो ये लाइन जो है आपको 8 या 7 रखना होगा, यानी कि 16 लाइन 16 लाइन आपको बिनना होगा। अब इसके बाद ये हमारी कैप की लंबाई इसमें पूरी हो गई है। तो आगे का भाग किस तरीके से बनेगा वो अब मैं आपको बनाना बताऊँगी। पहले आप बॉर्डर बनाएंगे, इसके बाद डिजाइन डालेंगे। कोई भी आप डिजाइन डाल सकते हैं और इस कैप को आसानी से बना सकते हैं। तो इसके आगे का भाग मैं अब आपको बनाना बताऊंगी। दोस्तों, इसमें हमने 40 फंदे लिए हैं। हर फंदे को हम बांट लेंगे 4 भाग में। इन फंदों को मैं बांटूंगी और बांट करके इसको मैं आगे का भाग किस तरीके से बनेगा वो बनाऊंगी मैं। तो आइए इसको बनाते हैं। दोस्तों, अब सभी फंदों को हमें 9 भाग में, अच्छा सॉरी 4 भाग में यानी कि 4 भाग में इसको बांटना है। हर भाग में 9 फंदे आएंगे और एक एक हमें एक्स्ट्रा हर भाग में जहाँ पे हमें फंदे घटाना है वहाँ लेना है। तो एक हमारा ये बीच का हो जाएगा, तो ये 10 यानी कि हमारे 40 फंदे हमारे हो जाएंगे। हमने 4 किनारे से रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बीच 3 फंदे को हम घटा देंगे, बीच वाला आगे ले आएंगे और एक इधर से और एक आगे का भाग लेंगे, एक फंदा लेंगे और 3 फंदे का हम एक कर देंगे। पहला भाग हो गया हमारा, इसमें हमने आधे फंदे लिए हैं, आधे फंदे हमारा इधर आ जाएंगे 3 फंदे। तो ये हमारा 7 फंदा इधर 9 फंदा हो जाएगा। एक फंदे पे घट रहा है वो 10 फंदा हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, डिजाइन देना है और फंदे को भी गिनना है। तो 1 डिजाइन देते हुए 2 3 4 5 6 और ये 7। एक फंदा इधर घटा है 8 और एक इधर घटाएंगे 9। अब 3 फंदों को यहाँ पे फिर हमें घटाना है। एक भाग में हमारा ये 9 फंदा हो गया, 7 फंदा इस बीच में आ गया, एक फंदा हमने घटा दिया है, एक फंदा यहाँ पर घट जाएगा। एक बीच का सेंटर का जो फंदा होगा वो लेके हमारा 10 फंदा हो गया। तो ये 4 भाग में ये 40 फंदे हमारे आ जाएंगे। 3 यहाँ पे हमने घटा दिया है। फिर डिजाइन देते हुए 7 फंदा लेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। हमारा कितना हो गया, एक भाग हो गया यहाँ पे, 2 और ये 3 भाग और इधर ये बीच में घटेगा, ये हमारा 4 भाग हो जाएगा। तो हमें हर भाग में 9 फंदे लेने हैं। फंदों के हिसाब से आपको फंदा बीच में लेना होगा। तो मैं आगे का बिन के दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा, ये लास्ट देखिए किनारे, यहाँ पर भी हम 3 का बीच वाला फंदा हम आगे ले आएंगे और किनारे किनारे से एक फंदा लेंगे और 3 फंदे को हम एक बना लेंगे। हो गया। और ये देखिए 1 2 3 4, एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखा है, तो 4 4 का फंदे हमारे किनारे पे आ गए हैं। अब रंग साइड से क्या करना है, जैसे डिजाइन में बुना गया है उसी तरीके से हम सभी फंदों को बुन लेंगे। हमें डिजाइन देना है तो सभी फंदे हम सीधा बुन लेंगे उल्टा की तरफ से। ये देखिए इस तरीके से हम बुन लेंगे। तो मैं पूरे फंदे बुन के आपको दिखाती हूँ। अब आगे आगे लाइन में आते हैं। और दोस्तों, ये डिजाइन देते हुए जैसे डिजाइन बना है
उसी तरीके से हम बनाएंगे। और जहाँ पे फंदे घटते जा रहा है वहीं हमें फंदा घटाना है। यहाँ पे हमारा पहले चार था, अब तो तीन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ अपने हमने फंदा कटाया था, सेम वही तरीका, तीन फंदे को हम दो फंदे को गिराएंगे, एक हमारा पीछे से रहेगा और बीच वाला फंदा हम सबसे आगे आए ले आएंगे, और पहला फंदा हम बीच में ले जाएंगे, और तीन फंदे का हम एक फंदा बना लेंगे। और हमें डिजाइन देते जाना है, जहाँ जैसा डिजाइन है वैसा पढ़ते जाएगा। अब बीच में हमारे सेवन फंदे थे, तो अब वो हमारे फाइव फंदे हो जाएंगे, क्योंकि एक किधर से घट गया है और एक इधर घटाएंगे तो फाइव फंदे हो जाएंगे। दो हमने बुन लिया, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे हमने फंदे घटाए थे। तो फिर दो फंदा गिराएंगे हम, आगे का पीछे ले आएंगे, बीच में ले आएंगे हम, और बीच वाला फंदा सबसे आगे ले आएंगे, और तीन फंदे का हम एक फंदा बना लेंगे। हो गया, फिर इसको बुन लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट लाइन में 7, 9 था, एक एक घट के 7 हो गया था, फिर अब 5 हो गया है। इसी तरीके से ये हमारा बीच का फंदा घटता चला जाएगा। यहाँ पे हमें फंदा घटाना है, हमें ध्यान ये रखना है जहाँ पे हमने फंदा घटाया है वहीं पे फंदे को हम घटाएंगे, बीच वाला फंदा आगे ले आएंगे, आगे वाला फंदा हम बीच में ले जाएंगे, और तीन फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे, बीच में हमारा दो फंदा घट जाएगा। हो गया, और ये 1 डिजाइन देते हुए, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब यहाँ पे हमारा फंदा घटा है, तो जहाँ पे हमें फंदा घटाना है वहीं पे घटाएंगे, नहीं तो हमारे एक बिगड़ जाएगा। फिर बीच वाला फंदा आगे ले आएंगे और आगे का फंदा हम बीच में ले जाएंगे, और तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे। हो गया, यहाँ पे बुन लेंगे, किनारे हमारा तीन बचा है, इधर भी हमारा फंदा तीन बचा था। इसी तरीके से एक एक करके ये बाकी पीछे से हमें रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनते चले जाएंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, मैं बुन के पूरा आपको दिखाती हूँ। ये हमारी लाइन अब कंप्लीट हो गई है, ये दो दो लाइन धागा हमारा चेंज होता जाएगा। दोस्तों, इस कैप को आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, गर्ल के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी बना सकते हैं। कलर आप चॉइस खुद कर सकते हैं कि आपको किस कलर में बनाना है, जो आपको कलर पसंद आए। ये कैप सबके लिए आप आसानी से बना सकते हैं। किनारे दो बचा है हमारा, तीन बचा था, फिर यहाँ पे हमें घटाना है, तो सेम वही तरीका दोहराएंगे, और बीच का फंदा इसी तरीके से सारे हमारे एक एक करके घटते चले जाएंगे, और हमारा ये कैप बन जाएगा। दो फंदे को हम गिराएंगे, आगे वाला पीछे ले आएंगे बीच में, और बीच का फंदा आगे रखेंगे और तीन का एक कर देंगे। हो गया, अब इसमें हमारे 5 फंदे थे, 3 फंदे हो जाएंगे, 1, 2 और 3 हो गया। यहाँ पे हमारे फंदे हैं, हम घटाना शुरू किए हैं, तो यहीं पे फंदों को घटाएंगे हम, जहाँ हमने फंदे घटाया है वहीं पे तीन तीन फंदे, तीन का एक कर देंगे हम, तो दो फंदे हमारे घट जाएंगे और एक फंदा हमारा बच जाएगा, और ये कैप हमारा बनता चला जाएगा। इस तरीके से हमने घटा लिया है, और बाकी जो हमारा जहाँ हमें डिजाइन देना है वहाँ पे डिजाइन देंगे, 2 और ये 3। यहाँ पे हमारा घटाना है, तो दो फंदे गिराएंगे और तीन का एक फंदा हम बुन लेंगे, तीन का एक फंदा हो गया, सीधा बुनेंगे,
डिजाइन देना है, नीचे से बुनेंगे सीधा, तीन फंदा हो गया यहाँ पे। यहाँ पे हमें घटाना है बीच वाला और पहला गिराएंगे और बीच का आगे ले आएंगे और तीन का एक फंदा कर देंगे किनारे। अब हमारा दो बचा है, इन फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे हमें सीधे बुनने हैं। अब आते हैं किनारे से, धागा चेंज करेंगे। दो बचा था हमारा, यहाँ पे हमें घटाना है, सेम वही तरीका, सॉरी, फंदे को गिराएंगे, पहला फंदा बीच में और बीच वाला दूसरा फंदा हम आगे लेंगे, तीन का एक कर देंगे। तीन फंदा बचा था, एक फंदा हमारा घट गया है। अब बचा है हमारा एक फंदा, बुन लेंगे। फिर यहाँ पे घटाना है हमें, क्योंकि हमारा है तीन फंदा, एक 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 इधर घट गया और एक इधर घट जाएगा। सेम वही तरीका, फंदे को गिराना है और बीच का फंदा हमें आगे ले आना है और तीन का एक कर देना है। एक फंदा इधर भी घट गया, बचेगा हमारा एक, उसको हम बुन लेंगे। यहाँ पे फिर यहाँ पे तीन फंदा हम घटा देंगे, यहाँ पे उल्टा है इसलिए फंदा ये गिर जा रहा है, हम तीन का एक कर देंगे। यहाँ पे बुन लिया हमने, एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर तीन एक का एक कर देंगे। बीच में हमारा एक फंदा बचेगा किनारे, तीन का एक कर देंगे। ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे को सीधे बुनेंगे। अब आखिरी लाइन हम सभी फंदों को घटा लेंगे, दो फंदे का हम एक फंदा इसमें बुन लेंगे। दो दो फंदे हमें एक साथ बुन के इसको अब बंद करना है। अब हमें आगे की बुनाई नहीं करना है, सभी फंदों को दो दो पकड़ के हम बुन लेंगे। हो गया हमारा ये कैप हमारा बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमारी हमें सिलाई करना है, तो मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। इसको हम उल्टा करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, यानी कि किनारे से दोनों को हम पकड़ के यहाँ से सिल देंगे। मैं आपको सिल के पूरा अब दिखाऊंगी। ये देखिए हमने यहाँ तक से अब सिलाई कर लिया है। अब इसको बंद कर लेंगे हम, हो गया, धागे को काट लेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे और एक प्यारा सा सुंदर सा कैप हमारा ये बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। दोस्तों इस कैप को आप लेडीज़ बॉय गर्ल किसी के लिए भी बना सकते हैं, अपने कलर पर चॉइस करके, और बनाना भी बहुत ही आसान है। दोस्तों न्यू बॉर्न बेबी के लिए अगर बनाना है आपको, तो नीचे हम इसमें 75 फंदे रखें और इस कैप को बनाएं। तो आइए, अगर ये हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।